पटना में बेखौफ अपराधी ने आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसे घटनाओं का अंजाम देकर अपराधी पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। ताजा मामला दानापुर में से सामने आ रहा है, जहां अपराधियों ने जदयू नेता दीपक मेहता को गोली मारकर हत्या कर दी। घटना दानापुर थाना का है। बताया जाता है कि जदयू नेता दीपक मेहता सोमवार को अपने घर के पास बैठे थे, उसी दौरान बाइक से आए अपराधियों ने उन पर गोलियां चला दी। दीपक मेहता को एक गोली लगी है और वही गिर पड़े। इस बीच अपराधी बाइक से फरार हो गए। आनन फानन में लोगों ने उपाध्यक्ष को इलाज के लिए पटना के एक नर्सिंग होम भेजा, जहां इलाज के दौरान मौत हो गई। मर्डर के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गया है। जानकारी मिलते ही लोग सड़क पर उतर आए और पटना दानापुर मार्ग को जमकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जाँच में जुटी है। हालांकि दीपक को किस वजह से गोली मारी गई है इसका पता नहीं लग पाया है। आपको बता दें कि दीपक मेहता इससे पिछली बार भी विधायक दानापुर से प्रत्याशी रहे हैं। वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और अब चूंकि अभी पार्षद का भी चुनाव लड़ने की उनकी तैयारी हो रही थी, ऐसा बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये हत्या राजनीतिक हत्या बताई जा रही है। ये पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए इनकी हत्या कर दी गई है। तो हम बात कर रहे हैं दानापुर के, और ये अब किस अब तक के सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है कि दीपक मेहता को गोली मार करके हत्या कर दी गई है। आधा घंटा पहले हम आ रहे थे दानापुर से, देखे तीन है ना बोल रहे सब चार भाई हटो ना यार, क्या बीच में आ जा रहे हो, लाइट छोड़ दो ना।